आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे इस सिंपल से न्यूज को, इस सिंपल से ऑनलाइन आर्टिकल को कैसे हम इस टाइप के वीडियोस में कन्वर्ट करें। अगर आप Vox या फिर जॉनी हैरिस के चैनल को फॉलो करते हो तो उसके वीडियो में एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, वो न्यूज के आर्टिकल्स को अपने वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हैं और वो इफेक्ट उनके वीडियो को एक डॉक्यूमेंट्री वाला फील देता है। तो इस वाले इफेक्ट को बनाना बहुत ही सिंपल है अगर आप इसको सही तरीके से बनाओगे तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास में ये न्यूज का आर्टिकल है, जस्ट इसका आपको स्क्रीन शॉट लेना है। फोटोशॉप में जाके हमें बेसिक इफेक्ट वहां पे क्रिएट करने पड़ेंगे जिसको हम प्रीमियर प्रो में बाद में हम इसको एनिमेट करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो इसका हेडलाइन है और नीचे का थोड़ा सा उसका सब हेड, उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कट और उसके बाद पीछे वाले को डिलीट करके और जस्ट मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे प्लेस हो गया। ठीक है, दूसरा काम करना है आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड हटाना है, तो उसके लिए सीधा जाना है आपको सेलेक्ट एंड यहाँ पे जाना है आपको कलर रेंज और वाइट पे क्लिक कर देना है और जस्ट उसके बाद में कर देना है आपको डिलीट, तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे हट गया। दूसरा स्टेप आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस टाइप के न्यूज़ आर्टिकल डालते हो तो डेट मेंशन करना मत भूलो कि ये किस डेट को हुआ, क्योंकि आपके वीडियो हो सकता है आज से 10 साल के बाद कोई देखे तो उनको पता रहे कि ये वीडियो में किस डेट के न्यूज़ के बारे में बात हो रही है। आप डेट कहीं भी अपने डिज़ाइन के हिसाब से कर सकते हो, ऑफकोर्स अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो इस टाइप के काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जस्ट एक शेप ले रहा हूँ और शेप लेके जस्ट वहाँ पर एक डेट यहाँ पर मेंशन करूँगा, तो इसके ऊपर जस्ट मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे डेट आए। दूसरा स्टेप है कि ये किस न्यूज़पेपर में छपा है वो भी डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये टेलीग्राफ न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जिसमें हम सारा काम करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे एक लाइन टाइप का जस्ट मैं यूज़ कर लेता हूँ कि हाँ इसको क्लोज वाला चीज़ भी मिले, तो ये अपने पास में लाइन आ गया और लाइन का कलर मैं कर लेता हूँ रेड। दूसरा स्टेप यह है कि जब आप इस टाइप का आर्टिकल को इमेज ढूंढते हो तो इमेज सीरियस पोज में होना चाहिए, ये नहीं कि कोई फनी या कुछ ऐसा होना चाहिए, सीरियस पोज में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे सर्च किया है, वो ये इमेज है, आप देख सकते हो इन्हीं के बारे में न्यूज़ है तो इन्हीं का इमेज हमें डालना पड़ेगा। अब सबसे पहला काम ऑफकोर्स हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव कर दिया है। ठीक है, स्टेप नंबर वन, तो मैंने यहाँ पे नीचे ऐड किया तो अभी भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीरियसनेस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ेगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है कि इमेज एडजस्टमेंट में जाकर उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, है ना, तो यहाँ से भी वो वाला इफेक्ट नहीं आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर भी वो इफेक्ट जो मुझे चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पर इसको इस जगह पर जाऊँगा और यहाँ पर लूँगा मैं ग्रेडियंट मैप और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा इसमें बेसिक ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और इसको जस्ट मैं क्लिपिंग मास्क कर दूंगा तो ये वाला ब्लैक एंड व्हाइट मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी मतलब मुझे लग रहा है कि ये सीरियसनेस इसके अंदर आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में भी पूरा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए, हल्का सा इसमें येलो टोन चाहिए, येलो टोन जस्ट आपको थोड़ा सा सीरियसनेस को और अच्छे से दिखा देता है। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा सिंपल एक फ़ोटो फिल्टर और फोटो फिल्टर जस्ट मैं ग्रेडियंट मैप के ऊपर रखूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे एक हल्का सा येलो टोन आ रहा है जो कि मुझे देखने में काफ़ी सही लग रहा है, हो सकता है आप लोगों को भी सही लगे। ठीक है, तो ये होगा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है कि इस इमेज में एक नॉइज डालना है जो कि एक न्यूज़ वाला फील आए, एक डॉक्यूमेंट्री वाला फील यहाँ पे दे, एक न्यूज़ वाला फील दे, तो उसके लिए आप चाहो तो इसमें नॉइज़, इस इमेज में नॉइज ऐड कर सकते हो, यहाँ पर जाकर फिल्टर और नॉइज़ एंड ऐड नॉइज़, है ना, आप चाहो तो यहाँ पर नॉइज ऐड कर सकते हो, लेकिन ये वाला भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पर फिल्टर कैमरा रॉ फिल्टर ग्रेन जो होता है ग्रेन मैं जस्ट वहाँ पे ऐड करता हूँ, तो ग्रेन जस्ट मैं हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ इतना, तो ये मुझे ज़्यादा सिनेमैटिक और ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे फील देता है। अब ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा है, ये नए जमाने का मॉडर्न फील नहीं दे रहा है, तो उसके लिए जस्ट मैं इसको एक डुप्लीकेट करूँगा और डुप्लीकेट करने के बाद में जो नीचे वाला लेयर है, जो अपने पास में नीचे वाला जो अपने पास में लेयर है, इसको मैं जस्ट मैं कर दूँगा कलर ओवरले और एक कंट्रास्ट कलर का कंट्रास्ट देने की कोशिश करूंगा। तो मैं अपने पास रेड चल रहा है तो मैं यहाँ पर रेड से कंट्रास्ट दूंगा, तो ये बेसिकली हमने क्रिएट किया है और नीचे वाली को हल्का सा आप टिल्ट कर दो, है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंट्रास्ट यहाँ पे आ गया है बहुत देखने में, जो कि देखने में मुझे काफ़ी सही लग रहा है। अब इसको हम दो पार्ट में यहाँ पे PNG बना लेंगे, फर्स्ट इमेज को अलग कर लेंगे, जैसे इमेज को जस्ट मैं ग्रुप कर देता हूँ तो इमेज अलग चला जाएगा और न्यूज़ आर्टिकल वाला जो पार्ट है वो अलग यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एनिमेशन करना स्टार्ट करते हैं बेसिकली, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगने वाला है। तो हम यहाँ पेपर का जो एनिमेशन होते हैं वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं।
तो मेरे पास में एक पेपर एनिमेशन का आप यहाँ पे देख सकते हो एक वीडियो है जो कि मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड किया है, और ये कुछ इस टाइप से है, देख लो इस टाइप से ये एक एनिमेशन चल रहा है, ये अपने पास में ये बन गया। अब इसके पीछे जस्ट एक बैकग्राउंड लूँगा, एक कलर मैट कोई सा भी आप कलर मैट ले लो और इसके जस्ट इसको ऊपर लगा दो, थोड़ा सा आप इसको जूम कर लो। अब आपको क्या करना है कि आप देख सकते हो आप बैकग्राउंड आपका नहीं दिख रहा है तो इसकी ऑपेसिटी को डाउन करना है हल्का सा, तो ये कुछ आपको ऐसा आपको फील दे रहा है, अभी भी ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो थोड़ा सा और इसकी ऑपेसिटी को डाउन कर दो इतना, ठीक है ये मुझे सही लग रहा है। आप चाहो तो बैकग्राउंड अपने हिसाब से जो आप चाहो जो आपका थीम बोलता है वो आप इसके यहाँ पे कर सकते हो, मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैंने ये किया। तो ये हमने यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। आप अगर गूगल पे जाओगे यूट्यूब पे जाओगे और पेपर एनिमेटेड या पेपर एनिमेशन बैकग्राउंड या पेपर स्टॉप मोशन बैकग्राउंड सर्च करोगे तो आपको इस टाइप के बैकग्राउंड फ्री में मिल जाते हैं। अब अपना इमेज को यहाँ पे लेके आते हैं, सबसे पहले न्यूज़ वाले आर्टिकल को यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये अपना न्यूज़ वाला जो क्लिप है वो यहाँ पे आ गया। ठीक, अब यहाँ पे मेन काम स्टार्ट होता है कि कुछ पार्ट को मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है और वो हाईलाइट भी एनिमेटेड होना चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे वो जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो शेप टूल यहाँ पे देख रहे हो, शेप टूल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में मैं जो भी आपको लगे कि जो पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जस्ट आप वहाँ पे चीज़ों को ड्रॉ करो। तो यहाँ पे ड्रॉ हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो आपको शेप का कलर आपको ग्रे मिलेगा, लेकिन जब इस पर जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ग्राफिक टैब खुल के आ जाएगा, और जब शेप पे जो आप क्लिक एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो फिल में आपको येलो करना है या जो जिस कलर से भी आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो तो वो करना है, मुझे येलो पसंद है तो मैं इसको येलो करूँगा। अब जस्ट येलो को उसके नीचे रखना है ना, और मान लो कि मैंने इसको यहाँ से मैंने इसको किया, ठीक है या आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनिमेशन नहीं हो रहा, तो इसको सबसे पहले एनिमेट करना पड़ेगा। तो एनिमेट करने के लिए हम सीधा यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल में। तो इफेक्ट कंट्रोल में जाने के लिए हमें यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल है, आप में आपके इंटरफेस में इफेक्ट कंट्रोल कहाँ आ रहा है वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो पोजीशन है, स्केल है और स्केल वृत्त है जो कि जिसके ऊपर ग्रे आ रहा है, इसको हमें ऑन करना है। ऑन करने के लिए जस्ट हमें यूनिफॉर्म को जस्ट यहाँ पे अनचेक करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे ऑन हो गया। अब जब इसको आप यहाँ पे जस्ट जितना पीछे करोगे ये इतना आप देख सकते हो वो छोटा हो रहा है, लेकिन ये पूरा 20 से छोटा हो रहा है ना, ये साइड से छोटा नहीं हो रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मोशन पे क्लिक करके ये जो एंकर पॉइंट को हमें यहाँ पे लेके आना है, जिस तरफ आपको एनिमेशन लेके जाना है उस तरीके से यहाँ पे लेके आना है। अब जब इसको आप छोटा करोगे तो ये एक जगह ही जाएगा, है ना। तो एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट में आओ, स्टार्ट में आप कर दो यहाँ पे 0, और जैसा कि आपको पता है स्टॉप वॉच ऑन किया और ऑन करके हम ले गए थोड़ा सा आगे, और आगे ले जाने के बाद हमने इसको कर दिया 100। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो स्टार्ट हो गया एनिमेशन, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाले को करना है ईज इन, उसको करना है ईज आउट, और जितना आप पास करोगे उतना ज़्यादा ये स्मूथ एनिमेशन होगा। आप चाहो तो इसका आप अंदर में जाके इसके जो ग्राफ में जाके भी एनिमेशन को और स्मूथ कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ मैं यहाँ पे जस्ट कर रहा हूँ, जैसे इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे हल्का सा मैं यहाँ पे लास्ट में हल्का सा इसको मैं कर रहा हूँ, देखने में थोड़ा सा बढ़िया हो जाए बस, है ना, कि स्पीड में थोड़ा सा है, तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, तो मुझे ये यहाँ पे ठीक लग रहा है। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ये थोड़ा सा फ्लिकर करके आए, तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर फ्लिकर का प्रीसेट दे दूँगा। तो जस्ट मैं इसके अंदर एक फ्लिकर वाला इफेक्ट डालने वाला हूँ, तो मैं जाऊँगा इफेक्ट और यहाँ पर सर्च करूँगा फ्लिकर, जो कि मैंने इंस्टॉल किया, आप लोगों में ये नहीं दिखेगा, और मैं जस्ट यहाँ पर फ्लिकर को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा भी आएगा, फ्लिकर हुआ और ये यहाँ पर आ गया। तो आप देख सकते हो कि फ्लिकर होने के बाद में ये बहुत टाइम लगा रहा है, जिसको बाद में एडजस्ट करेंगे अपने दूसरे वाले इमेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आ रही है अपना इमेज लेकर आने का, तो दूसरा इमेज अपने पास में ये आ गया, आप चाहो तो उसको नीचे भी रख सकते हैं, है ना। अब इस इमेज को भी मुझे थोड़ा सा एनिमेट करना है, तो इसमें सिंपल एनिमेशन यूज़ करेंगे, इसको सबसे पहले नीचे लेके जाएंगे और एनिमेशन को यहाँ पे पोजीशन को ऑन करेंगे, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और जस्ट हम इसको यहाँ पे जस्ट लेके आ जाएंगे। इज़ यहाँ पे भी सिंपल करना है, इज़ इन और स्टार्टिंग में इज़ आउट, तो ये कुछ इस टाइप से ये हो रहा है। थोड़ा चाहो तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हो या इसको हल्का सा स्टाइल में आप इसको कर सकते हो एनिमेशन का, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे आ रहा है।
तो ये हमारा बेसिक एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आ रही है इसको एक सिनेमैटिक फील देने का, तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कर देंगे नेस्ट। नेस्ट जैसे आप फोटोशॉप में स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हो, यहाँ पे नेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आया और ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अप्लाई करने वाला हूँ बेसिक 3D। तो 3D के लिए मैं जाऊँगा इफेक्ट और यहाँ पे सर्च करूँगा बेसिक 3D। अब बेसिक 3D के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, है ना, इसको टिल्ट भी कर सकते हो और इसको ऐसे डिस्टेंस वाला भी जूम भी कर सकते हो। देखो अगर आप स्केल से जूम करोगे तो वो जूम नहीं आता, उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, लेकिन जो 3D वाले जूम होते हैं वो एक्चुअल सिनेमैटिक जूम लगता है। जैसे ये यहाँ पे चला और इसके बाद मैं इसका डिस्टेंस वाला ऑन कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे किया और इसको हल्का सा मैं यहाँ लेके आ गया, ठीक है। और इसके बाद भी मैं चाह रहा हूँ कि जस्ट थोड़ा थोड़ा ये आगे बढ़े, बस इतना। तो अब इसको मैं प्ले करके देखता हूँ, ये एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसको कर देता हूँ ईज आउट एंड ईज इन ना। तो एनिमेशन का टोटली आपके ऊपर है, जितना टाइम दोगे उतना स्मूथ होगा, लेकिन ये बेसिक हमें यहाँ पे क्रिएट होता हुआ मिल रहा है, ठीक है। अब आ रही है इसको एक सिनेमैटिक में फोकस वाला फील देने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ब्लड इफेक्ट, है ना। तो मैं गया ब्लड और यहाँ पे लूँगा मैं गॉशियन ब्लड को, जस्ट मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हो शेप टूल है जिसके अंदर मास्क क्रिएट होगा। तो जिस पॉइंट का मुझे इसको, आप मान लो कि जूम होने के बाद में जो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट होगा, मैं जस्ट उसके ऊपर वहाँ पे इसको लगाऊंगा। तो ये मैंने किया और ये मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट हो, तो इसके ऊपर जस्ट मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसका ब्लड बढ़ाऊंगा तो वही ब्लड हो जा रहा है जो कि हमें उल्टा चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा इसको, मैं मुझे इन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे इसको इन्वर्टेड में क्लिक किया, अब इसके पीछे वाली चीज़ें यहाँ पे ब्लड हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास में ये तैयार हो गया। थोड़ा जैसे मैं फेदर को इंक्रीज़ कर देता हूँ कि अगर ब्लड हो तो बहुत अच्छे से ये ब्लड हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे देखो मुझे ब्लड कहाँ करना है वो आपको सबसे पहले ध्यान देना है। तो यहाँ पे इसको जूम किया, अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये आया, थोड़ा जूम हुआ और यहाँ से ब्लड होना स्टार्ट हो जानी चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पे जस्ट मैं ब्लड वाले पे क्या करूँगा, स्टॉप वॉच ऑन, थोड़ा सा आगे किया और इसको हल्का सा ब्लड किया, है ना, और इसको कर दिया ईज इन और इसको कर दिया ईज आउट। अब ये पूरा एक सिनेमैटिक सा आपको फील दे रहा है, ठीक। तो फिर अब यहाँ पे जो होता है साउंड इफेक्ट डालने की, क्योंकि सिनेमैटिक फील ऑलरेडी आ गया है। तो एक साउंड इफेक्ट यहाँ डलेगा, उसके बाद यहाँ डलेगा और उसके बाद यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट यहाँ पे डलेगा, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो यहाँ पे है मूवमेंट वाला साउंड इफेक्ट और यहाँ पे फ्लिकर कर रहा है। तो जहाँ फ्लिकर कर रहा है वहाँ पे मैं कीबोर्ड का साउंड इफेक्ट डालने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद में जस्ट मैं कीबोर्ड का साउंड इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, है ना, ये यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और जस्ट मैं इसके अंदर साउंड इफेक्ट मैंने डाल दिया। देखो ये कुछ ऐसा आ रहा है, और कुछ थोड़ा सा पीछे किया और आगे किया, देखो, है ना। और यहाँ पे जो ये चल रहा है यहाँ पे हमें एक वूस वाला इफेक्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। जस्ट मैं यहाँ पे डाल दूंगा वूस का इफेक्ट और यहाँ पे डाल दूंगा, हो गया। इसके बाद जस्ट आपको इसके बैकग्राउंड में जो भी आपका थीम म्यूजिक चल रहा है वो ऐड कर दो और आपका यहाँ पे एनिमेशन तैयार हो गया। आप ये देखो, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखने में काफ़ी कूल, काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई इंटरनेट पे सिर्फ नॉलेज लेके फायदा नहीं है, उस नॉलेज को अगर आप अपने किसी वर्क में यूज़ ना कर पाओ तो कोई फायदा नहीं है। तो इस टाइप के इफेक्ट को डॉक्यूमेंट्री इंसर्ट भी बोलते हैं, और जिसको वॉक्स या फिर जॉनी हैरिस ने यूट्यूब पर स्टार्ट किया था, और अब इसको सारे इंडियन यूट्यूबर जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं सब उसको फॉलो करते हैं, और इसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है और अब आपको भी ये बनाना आ गया है। तो जो इफेक्ट अभी आपने सीखा है वो कुछ भी नहीं है मेरे कोर्स के सामने। जो वीडियो एडिटिंग के ऊपर दो कोर्स है, एक मास्टर इन वीडियो एड्स मेकिंग और एडिट एंड कट्स, ये दोनों का प्राइस 2000 रुपए है। आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। आई थिंक 2000 ठीक है यार, मतलब मेरे
देखो मेरे जितने भी कोर्सेज सबका प्राइस 1000-1000 होता है, और अगर आप ये दो कोर्स परचेज करते हो तो उसका प्राइस 2000 रुपये है, और अगर आप वीडियो एडिटिंग में मास्टर बनना चाहते हो तो आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। तो क्या जिंदगी में ना कभी कभी चमत्कार होते हैं, और आज से आप भी इस बात को मानना स्टार्ट कर दोगे। देखो जब से मैं यूट्यूब पर आया हूँ मैंने टोटल 8 या 9 कोर्सेज बनाए हैं, और जिसका अगर मैं वेबसाइट के हिसाब से प्राइस बताऊँ तो अराउंड 10,000 के आसपास है। लेकिन ये सारे के सारे वो आपको 1599 में मिल रहा है। ये ऑफर समझ लो आज रात के लिए ही है। देखो कोई चमत्कार होता है तो लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है, ठीक है। तो आज रात तक ये ऑफर है, 1599 में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। इसके अंदर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और मोशन ऐड, वीडियो ऐड, सारे के जितने भी कोर्सेज है सारे के सारे इस बंडल में इंक्लूड है। तो अगर आप बहुत दिन से प्लान बना रहे थे कि हाँ भाई राजीव का कोर्स लेना है, तो ये वही मौका है जिसका आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो आई थिंक आपको ये मौका को चूकना नहीं चाहिए, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। और ये कोई सपना नहीं है, ये सच में हकीकत है, और नीचे लिंक है, जाओ और जल्दी से इसको इनरोल कर लो। सारे के सारे कोर्स है, जितने भी कोर्स है सब के सब कोर्स है इस बंडल में।